माँ से बात करें जिनकी दो सगी बेटियों को का पहले बीजेपी के गुंडों ने गैंगरेप किया और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देते रहे, सुनवाई नहीं हुई, आग होकर उन दोनों बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। अंततः पिता के ऊपर दबाव बनाया गया कि ये साथ ले लिया, तब पिता ने भी आत्महत्या कर ली। तो बेहतर होता कि माननीय मोदी जी उस माँ से भी बात करते जिनकी बेटी जिनके पति तीनों लोग ने आत्महत्या कर। जिस प्रकार से ममता जी पर अभद्र टिप्पणी की, ये कहा त्रिपुरा नागालैंड जहाँ जहाँ जाती है कहती मैं वहाँ की बेटी हूँ, अरे तुझे पता है कि इनके पिता कौन है, ऐसी अभद्र टिप्पणी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबको मेरा नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों, एक तरफ बीजेपी ने जहां राम मंदिर निर्माण, तीन तलाक, कश्मीर यूनियन जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर काम किया, तो दूसरी ही तरफ आज किसान आंदोलन, मणिपुर रेप केस, लद्दाख प्रोटेस्ट केस, इतने सारे केसेस है जिस पर बीजेपी का कोई क्लियर रिस्पॉन्स या जवाब नहीं है। इन्हीं मुद्दों पर जब समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता नाहिद खान जब सवाल उठाती है, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मीडिया इनकी बात को नेगलेक्ट करती है और दबा देती है। सुप्रिया सुने के अकाउंट से जो ये पोस्ट हुआ है, क्या इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे आप? नाहिद खान जी, चित्रा जी, देखिए किसी भी महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का हक किसी को भी नहीं, इसकी हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। लेकिन अभी आप दिखा रहे थे अपना डिबेट शुरू होने से पहले कि माननीय मोदी जी संदेश वाली की महिला से जो उम्मीदवार है बीजेपी की, उनसे बहुत देर तक लंबी चर्चा करते रहे, लंबी वार्ता करते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे हम तो ये कहते हैं कि उनको बात करनी थी तो राजस्थान की महिला पीड़िता से भी बात करती, जिसको आज ही की मैटर है, आज ही का केस है, जिनको बीजेपी के 8 गुंडों ने गैंगरेप कर दिया, उनसे उन पीड़िता से भी बात करती, लेकिन नहीं बात करेंगे क्योंकि वहां वोट की बात नहीं है। वोट तो बंगाल में, वोट राजस्थान में आपकी सरकार है, अब बात ही करना पीड़िता से तो उस हमीरपुर की उस माँ से बात करें जिनकी दो सगी बेटियों को का पहले बीजेपी के गुंडों ने गैंगरेप किया और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देते रहे, सुनवाई नहीं हुई, आहत होकर उन दोनों बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। अंततः पिता के ऊपर दबाव बनाया गया कि केस वापस ले लीजिए, तब पिता ने भी आत्महत्या कर ली। तो बेहतर होता कि माननीय मोदी जी उस माँ से भी बात करते जिनकी बेटी जिनके पति तीनों लोग ने आत्महत्या कर ली। लेकिन मोदी जी, माननीय मोदी जी ने तो तब भी बात नहीं की जब 700 किसानों ने काली कृषि कानून के चलते अपने जानों की आहुति दे दी, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। सतपाल मलिक जी जो गवर्नर थे, वो कहते थे संवेदना व्यक्त कर दीजिए, बात कर दीजिए, लेकिन नहीं बात की। अरे उन महिलाओं से भी बात करनी थी, मणिपुर की महिलाएं जो जिनके साथ गैंगरेप हुआ, नग्न परेड किया गया भारत सहित पूरे विश्व में, जिसके चलते भारत वोट खेलना, केवल 24 घंटे वोट और कुछ काम नहीं। अभी आप देखिए जिस प्रकार से बीजेपी के सांसद दिलीप घोष ने जिस प्रकार से ममता जी पर अभद्र टिप्पणी की, ये कहा ये त्रिपुरा नागालैंड जहाँ जहाँ जाती है कहती मैं वहाँ की बेटी हूँ, अरे तुझे पता है कि इनके पिता कौन है, ऐसी अभद्र टिप्पणी करते न केवल ममता जी की अपमानित किया बल्कि उनके माता पिता और न केवल ब्राह्मण समाज की महिलाओं बल्कि पूरे देश बंगाल सहित पूरे विश्व की महिलाओं को अपमानित किया। बीजेपी खुद तो किसी एक सेकंड चित्रा जी बीजेपी इस तरह अखिलेश जी का मुंह नहीं खुला, अखिलेश जी का